हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम मोशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम 8 पार्ट्स में हमने मोशन चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो एमसीक्यू सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोशन की। पर एमसीक्यू देखने से पहले आप कंप्लीट चैप्टर को स्टडी जरूर करें, अदरवाइज आपको ये एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे। देखो, एमसीक्यू में क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल्स तो करते हैं, बट एक बहुत ही लिमिटेड वे में। मतलब हम जो फॉर्मूलेज हैं हम लिखते नहीं है, हमें कुछ चीजों का तो ओरली पता होना चाहिए। तो जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमें उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एमसीक्यू तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि हम हर एक चीज को दोबारा से याद कर पाए। तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू बेस्ट है। और आपको पता है कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आएंगे वो एमसीक्यू बेस ही आपका पेपर होगा, तो इसीलिए हम ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट 9 ऑफ मोशन एंड इन 8 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स एंड इवन एनसीआरटी एक्सरसाइज ऑल्सो वी कंप्लीटेड। ओके, तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। किस पाथ में मूव कर रहा है आपका? सर्कुलर पाथ, लाइक दिस। दिस इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। दिस रेडियस इज आर। इन दिस सर्कुलर पाथ एक पार्टिकल मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, हाफ अ सर्कल, हाफ अ सर्कल मीन्स उस पार्टिकल ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां से, और यहां से मूव करके वो यहां पहुंच गया, यहां पर हाफ सर्कल, ये सेंटर है। दे आर आस्किंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आपका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये यहां से चलना स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो हमने देखो, सब चीजों को जब भी आप एमसीक्यू करो तो आप ऐसे इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो, इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस क्या है आर। मैंने कहीं भी एक पॉइंट मान लिया इनिशियल पॉइंट। अब उन्होंने कहा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हाफ अ सर्कल। तो यहां से इनिशियल पॉइंट मान के मैंने हाफ सर्कल को क्या कर लिया, कवर कर लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर कर लिया। तो मुझे पता चल गया ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। और डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये किसके इक्वल है? ये भी आर है, ये भी आर है, दिस इज इक्वल टू 2R। तो आपका कितना डिस्टेंस हुआ? 2R। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? सी, से इज अ करेक्ट आंसर, 2R। नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को हमने वर्टिकली थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में। वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू। इसकी वेलोसिटी क्या है? यू। द ग्रेटेस्ट हाइट एच, ये क्या है आपकी ग्रेटेस्ट हाइट, यहां तक पहुंचा, वो हाइट कितनी है? एच। टू विच इट विल राइज एच। देखो, मैंने आपको पहले भी बताई ये बात, हाइएस्ट पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। ये क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर ये क्या है आपका हाईएस्ट पॉइंट, ग्रेटेस्ट हाइट, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो।
आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच। ग्रेटेस्ट हाइट हमने कितनी मान ली है, ग्रेटेस्ट हाइट एच, एंड एच इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज एस। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल राइज। तो हमें ये एच और एस निकालने हैं। आप इसको एच ले सकते हो, एस ले सकते हो, दोनों चीजें क्या है, सेम। तो देखो हम यहाँ पर क्या किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन करें तो पहले लिख लें वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। हमें यहाँ पर आप, मैंने बताया ना आपको कि ये h बोलना है, पर ये h ही डिस्टेंस, ये h हाइट क्या होती है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर s निकालना है। इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम गिवन नहीं है, और हमें वैसे भी डिस्टेंस निकालना है, इसके अंदर डिस्टेंस भी का भी कोई रिलेशन नहीं है। इसमें हमें डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, टाइम की, तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। यहां पर देखें वी गिवन है, यू भी गिवन है हमें, ए ए इज गिवन। ये क्या बोल रहे हैं, बॉडी शोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मीन्स तो क्या एक्ट करेगा इसके ऊपर, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी। अंडरस्टूड। एस हमें निकालना है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर हम करेंगे अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। एक चीज हमेशा याद रखें, जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना, अर्थ कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में, तो अर्थ की डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में किसी चीज को फेंकेंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो नेगेटिव। तो यहां पर हमने कैसे थ्रो किया, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो अपवर्ड में क्या होगी आपकी जी, नेगेटिव। तो यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो देखें जीरो माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू जी। एस किसके इक्वल है आपका, आप इन्होंने क्या कह रखा है, एच टू जी एच। तो क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, कैंसल। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यू स्क्वेयर बाय टू जी। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट क्या आ गई, यू स्क्वेयर बाय टू जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, यू बाई जी, रॉन्ग। यू स्क्वेयर दिस इज बाय बाय टू जी, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो हमें चीजों को समझना है, बस दो चार चीजें हैं जो मेन मेन है जो आपको लिखनी है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो तो हर एक पॉइंट को, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इस पॉइंट का कोई रिलेशन है, तो आप उसको लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल रेशियो है वो क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये होता है एक्चुअल पाथ। जब हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जब भी मैंने आपको बताया था, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। आप ही देख सकते हो, ये दो पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और मैंने ये बहुत सारे डिस्टेंस बनाए, क्या कोई भी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वे, स्मॉलेस्ट पाथ, कोई भी पाथ इससे छोटा नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट।
ओके, तो ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, या इसके इक्वल हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, या तो जो क्वांटिटी है, अगर मैं इसको मान लू 5, अगर मैंने अपने एक्चुअल पाथ को 5 मान लिया, तो जो ये वाली क्वांटिटी है या तो ये 5 होगी, या तो ये 5 होगी और लेस देन 5, अगर मैंने इसको 5 मान लिया तो बताओ क्या आएगा रेशियो, 5 और लेस देन 5 तो, और बाय 5 तो क्या आएगा, 1 होगा या मोर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 होगा तो 4/5, सॉरी 4/5 क्या होगा, लेस देन 1, सॉरी नॉट मोर देन 5, लेस देन 1, लेस देन 1। तो इनका रेशियो क्या होता है, या तो ऑलवेज लेस देन 1, ये भी गलत है, ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी गलत है, ऑलवेज मोर देन 1, ये भी गलत है, इक्वल और लेस देन 1 ये ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, इक्वल, इक्वल है ना यहाँ पर, या क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा। तो ऑल ना तो ऑलवेज ये लेस देन 1, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ये इक्वल भी हो सकता है 1 के, ये इक्वल हो सकता है ना 1 के, जो दोनों सेम हो तो इक्वल हो सकता है 1 के, या लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डिस्प्लेसमेंट इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ टाइम, टी स्क्वेयर, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थिंक एंड टेल मी फास्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, क्या होगा इसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, इंक्रीज एक्सेलरेशन होगी, या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी, क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बताओ, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यहां पर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है, जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो यूनिफॉर्म हमारी जो वेलोसिटी होती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल टाइम, ये स्क्वेयर ऑफ टाइम नहीं होती, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, ऐसे दिस इज वेलोसिटी दिस इज टाइम, यहाँ ये होती है आपका जो ये ग्राफ होता है वो होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस केस में अगर मैं देखूं ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है या नहीं है, 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने यहाँ पर इसको इस ग्राफ से स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गया 0, तो यहाँ पर s किसके इक्वल आ गया, हाफ ए टी स्क्वेयर के। तो अगर मैं मान लूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, तो ये क्या है 1/2a क्या हो गया, कांस्टेंट, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर आ गया, नहीं आ गया, कब आया s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, जब मैंने एक्सेलरेशन को क्या माना, यूनिफॉर्म,
तो अब मैं उल्टा बोल सकती हूँ कि अगर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी एसेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड माय पॉइंट? हमने ग्राफ बनाया बच्चों, शायद आपको वहां पर दिखेगा नहीं ये ग्राफ, इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। ये वेलोसिटी है इस एक्सिस पर, यहाँ पर आपका टाइम है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज जीरो, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई एंड एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट मान लू, तो एस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म ही होता है, कोई भी यूनिफॉर्म वैल्यू जो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही हो। तो अगर मैंने जब इसको कॉन्स्टेंट माना, तब हमारे पास ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया। अब मैं रिवर्स भी तो बोल सकती हूँ, ये तब आएगा जब एसेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सपोज अ बॉडी इज इंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, मूविंग विद नो एसेलरेशन, इन एसेलरेटेड मोशन, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूं कि आप देखो, मैं तो करवाने को करवा दूंगी, पर आप चीजों को क्या करोगे, आपने यहां पर से पढ़ा, आप एज इट इज लर्न कर लिया, नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होगा आपसे पेपर में। जो आपने एक टाइप का कोई क्वेश्चन किया, दूसरे को आप अपने तरीके से करके देखो, ठीक है ना, तो तब आपको समझ में आएगा ये है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि लास्ट जैसा ही है। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व जरूर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में खुद ही आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी। नेक्स्ट, एरिया अंडर दिस इज वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेक्टेंगल, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना हमारा रेक्टेंगल का एरिया। तो इसमें लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम को, तो क्या हो गया आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, देखो v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ऑप्शन बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर कार्स ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन द एडजेसेंट फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार बी इज द स्लोवेस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी इज द स्लोवेस्ट। देखो आपको क्या बताना है, फास्ट एंड स्लोवेस्ट, यहां पर आपको बताना है कौन सी कार फास्ट है, कौन सी स्लो है, किस क्वांटिटी से आप ये चीज बता सकते हो, बताओ। आप ये डिस्टेंस से बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से, वेलोसिटी से, किस चीज से हम ये बता सकते हैं, या एक्सेलरेशन से, कि ये कार फास्ट है, ये स्लो है। यहां पर डिस्टेंस गिवन है, यहां पर टाइम, अगर डिस्टेंस टाइम गिवन है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते। देखो दो चीजों से हम बता सकते हैं कि कार फास्ट मूव कर रही है स्लो, या स्पीड से या वेलोसिटी से। वेलोसिटी तब निकलेगी जब डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, स्पीड तब निकलेगी जब स्पीड तब निकलेगी जब डिस्टेंस गिवन होगा। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से क्या निकाल सकते हैं हम, स्पीड।
तो स्पीड की हेल्प से हम बता सकते हैं कि भी बोर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव कर रहा है फास्ट मूव कर रहा है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे ऐसे, यहां पर सबका टाइम क्या है सेम। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज 5 सेकेंड हियर, 5 सेकेंड यहां पर सभी चले थे 0 सेकेंड से और यहां पर टाइम है 5 सेकेंड। अब मैंने 5 सेकेंड पे सबका डिस्टेंस नोट किया, सी यहां पर पहुंच गया, बी यहां पर पहुंचा है, सॉरी नॉट यहां पर, यहां पर डी डी यहां पर कट कर रहा है ना मैं इस टाइम पे यहां पे, तो डी यहां पर पहुंच गया। ए को कहां कट कर रहा है, यहां पर, ए यहां पहुंचा है 5 सेकंड के बाद और बी यहां पर पहुंचा है। टाइम सबका सेम है, ये जहां जहां पर कट कर रहा है इसका मतलब उसने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है सिर्फ ये वाला। अब मुझे ये बताओ टाइम सेम हो गया, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस कम उसकी स्पीड कम, क्योंकि टाइम तो सेम है ना सबके लिए। एक तो मैं 10/5 करूं, एक मैं 8/5 करूं, बताओ किसका रेशियो ज्यादा आएगा, ये वाला ज्यादा होगा ना इससे। तो हमारे पास जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जब टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो अगर डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ये यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया। ओके तो हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्टेंस सी ने कवर किया, तो फास्ट कौन, सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है, कार सी, कार सी है फास्ट, फास्टेस्ट। सबसे कम डिस्टेंस देखो किसने कवर किया, बी ने, तो बी है स्लोवेस्ट। तो अब कैसे कैसे हमारे पास रेशियो, सबसे ज्यादा सी, सी के बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। अब देखो कौन सा करेक्ट है, कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए इज फास्टर देन डी, गलत है ये है ना, हमारे पास डी ज्यादा है ए नहीं, पर इसमें ए बोल रहे हैं तो ये गलत। कार बी इज द स्लोवेस्ट, देखो कार बी है ना स्लोवेस्ट हमारे पास, सबसे कम कौन सी है, कार बी, कार बी इज द स्लोवेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कार डी इज फास्टर देन कार सी, ये भी गलत है, सी ज्यादा है डी से, डी तो नहीं है। कार सी इज द स्लोवेस्ट, नहीं कार बी इज द स्लोवेस्ट, सी तो फास्टेस्ट है हमारी, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारे पास, यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें तो आपको आंसर देखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म में, स्ट्रीट लाइन, आपको पता होना चाहिए, बता चुकी हूं मैं पहले, जब हमने टॉपिक्स डिस्कस किए तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, देखो बच्चों यहीं पर हमने क्वेश्चन किया एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वहां पे मैंने आपको बताया कि जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और यही होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एरिया है। कई बार हम क्या करते हैं, हम यही चीज माइंड में रखते हैं एरिया, क्योंकि एरिया का यूज हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी होता है, वो हमें याद होता है, तो ठीक है ना। तो एरिया है वो, एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, ना कि स्लोप। स्लोप क्या होता है, जब हम
हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की थी, तब भी मैंने आपको बताया था जो आपका स्लोप होता है वो एसेलरेशन के इक्वल होता है, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? स्लोप किसके इक्वल होता है? एसेलरेशन के इक्वल होता है, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? तो ये चीजें याद रखो, जो स्लोप होता है ना, अकॉर्डिंग टू मैथ स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और हमने देखा कि जब हमने परपेंडिकुलर बाय बेस निकाला तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्सेलरेशन को। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल। ये हम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि स्लोप कैसे एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते, इवन फर्स्ट में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल कैसे होता है, और वो आगे भी यूज होता है। तो हमारे पास ये इस करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, द एसेलरेशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? डिस्टेंस कब इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के? बोलो, हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो तो भाई, डिस्टेंस के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट के लिए है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा दो के बीच का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको छोड़ के और सारे क्या होंगे हमारे पास? डिस्टेंस होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? अगर मैं अब वर्डिंग बोलू स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अगर रोड स्ट्रेट ही है तब घूम के जाओगे कैसे, जब कोई और वे ही नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि आपको स्ट्रेट ही मूव करना है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि मोशन ही स्ट्रेट लाइन है, तो अदर वे की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर हमने किसी ने बोल दिया कि भाई आपको ए से बी स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो किस केस में? स्ट्रेट लाइन के केस में, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यस। इफ कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, नो। द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, नो। वो तो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकता है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नो। सो सर्कुलर हो गया ऐसे। तो क्या हुआ? द इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल। तो हमने यहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया, और इनमें हमने आज के जो न्यूमेरिकल्स थे उसके जो क्वेश्चंस थे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा बेस्ड थे। तो इसमें हमने एक बार जब हमने डिफरेंस किया है, तो मैंने आपको बताया था जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड ओनली, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर? तो जब हम डायरेक्शन किसी चीज की स्पेसिफाई कर देते तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो और जब स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तभी ये पॉसिबल है, तो इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेज होते हैं उसके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, डिस्टेंस भी वही होता है। ओके चिल्ड्रन, तो इस वीडियो में हम यही न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।